सब तो पहला सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ते काफी टाइम हो गया आपां व्लॉगिंग नहीं कीती, ते विच काफी गैप पै जांदा क्योंकि कंटेंट नहीं बनता, हजे नवे आ ते कंटेंट लभना यार बहुत औखी गल आ। मतलब आए नहीं भी मैनूं टाइम नहीं मिलता, मैं वैसे है वेहला ही हाँ। मैं बहुत सारी कैमरा चक के ट्राई करता भी आह व्लॉग पावांगे आह व्लॉग पावांगे, पर नहीं, वो जो कंटेंट पूरा एक रैगूलर कंटेंट नहीं बनता तो वह फिर व्लॉग पाने नहीं मन करता। तो हूँ एक सडनली प्लैन बनया मेरा, टाइम तुम देख ही सकते हो 5:39 हो चुके हैं। मैं जा रहा चंडीगढ़ वाया बठिंडा, सो कुछ कम सी उ चंडीगढ़ से, कुछ मैं क्या चलो वैसे ही एक आउटिंग हो जाती है थोड़े ही दिनों की, तो कजनस उत्ते आए हुए हैं। तो हूँ मतलब कार का तुम देख सकते हो, मैं ट्रिप जीरो करता सी, वैसे कार अपनी 64,000 चल चुकी है। 7 तो 7 तरीक तक इनू 1 महीना 10 दिन हो गए, तो पूरी कार मैं 4000 चलाती, 4000 किलोमीटर चल चुकी है। पूरे 35 मिनट च आप बठिंडे आ चुके हैं। मैं जमा नॉर्मल स्पीड से हैं, कितने तो 80 भी की सी, करके भी कई बार स्लो हो जाती सी। बठिंडा शहर का हाल देखो, ये मेन रोड है जो चंडीगढ़ में जाता, सो एक मिलिट्री रोड है, ट्रक्स करके भी जाम लग्या सीगा काफी, पिछे मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि पुलिस खड़ी सी। ते बाकी हाँ देखो कितनी मिट्टी यार मेन रोड से पट्टिया हुआ, इतने फ्लाईओवर बनना वैसे तो चलो चंगी गल आ, पर इन्हों कोई अल्टरनेट राह कटना चाहिए होंगे उन्ना चर। मतलब जेडे रोड से अपना टोल टैक्स कटते हैं, इदू अगे 10 किलोमीटर अगे जाके टोल टैक्स आया ना, तो इन्हों का लीगली कटना नहीं। हूँ फाइनली रोड साफ आई है, पिछे काफी जाम सीगा, रेड लाइट्स ने, तो उत्थे फ्लाईओवर बन रहे, सड़क पट के रखी हुई है। पूरा ये बठिंडे चो निकल लग्या नूं मैनूं 10 मिनट लग गए, तो जिथे कि रोड सिर्फ 3-4 मिनट का रहा उत्थे 10 मिनट लग गए। सो तां वी हजे भी अपनी स्पीड मेनटेनड, तो हुण अगे मतलब मैं उत्थों ट्रिप तां नहीं लाया सीगा, ट्रिप लग्या होया, एवरेज रीसैट नहीं की सी क्योंकि उत्थों काफ़ी खराब जे पैसे होने से, हूँ आप करते हैं एवरेज की रीसैट। इतों रीसैट कर दें, मैं जीरो तो होगी। यहोजे रोड्स से कार चला स्वाद आता, तो जिथे स्पीड लिमिट 100 की हो 110 भी, तो आसे पासों कुछ भी ना आए, जिमें फेंसिंग लगी हुई है, कोई ठट्ठा ठुट्ठा नहीं आ सकता, कोई स्ट्रे एनीमल्स नहीं आ सकते इतने। तो बहुत ही घेंट रोड है, तुम इतों व्यू देख सकते हो, बहुत ज्यादा सोहना, लाइट्स जाग रही, तो आसमान का व्यू भी बड़ा घेंट होता। पुछो आ चुके हैं, तो कॉफी पीन मन कर रहा है मेरा, तो हम आप कॉफी लें, तो फिर टेक अवे करावे कॉफी ला कैफे लाते, तो उस बाद आप जाते हो। सो कॉफी लैके हम तुर लगा, मैं तो इतों तुर के टाइम दसते कितने लगे हूँ यार, बाला ब्लॉग नहीं बनाया, देखो कि थकावट जी होगी बिच बिच, कॉफी पी के थोड़ा कैड़े जे होने फिर। मैनू पूरे 3 घंटे 20 मिनट लगे मोहाली एंटर करते मुकसर तो लैके, तो बिच आप ब्रिस्टा भी रुके से उत्थे, तो कार भी स्लो ही आई है, मतलब 80-90 के बिच बिच ही आई है। हम चलते हैं बेस्ट टेक टावर जिथे अज रहना, कार का नाम है मर्सिडीज 190D। मतलब हमने मैं पता नहीं गा एग्जैक्टली भी आँदी है या नहीं, काफ़ी वड्डा वेरियंट लगता कार का, क्योंकि उस हिसाब से यह एक तरह की लग्जूरियस कार मनी जाऊगी, क्यों अज के जमाने की एस क्लास के मुकाबले की कार आ। तो फीचर ये पता लगते बहुत ही एंटीक पीस बनाया हुआ, अलॉय व्हील्स भी हजे तक नाल दे, सो एक सिंगल स्क्रैच भी है नहीं, बहुत ही संभाल के रखी हुई है, तो सारा क्रोम फिनिश आया, सारे बंपर वगैरह हो गए, तो उपरों हो गया, बहुत ही क्लासिक जी चीज़ आ कार। वैसे ओपन आप टच नहीं करा क्योंकि अपन पता नहीं गा, तो स्टेयरिंग तो देखो अज दिया एस क्लास वर्गा कलर आता,
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਐਸ ਕਲਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਅਜੇ ਮੈਂ ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੌਂਕ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਏ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਜਾਲ ਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪਾ ਐਮ ਜੀ ਦੇ ਰਾਈਸ ਖਾ ਕੇ ਲੋ ਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਚਲੋ ਹੁਣ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਈਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਾਈਟ ਸਨੀਕਰਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲੋਗੋ ਆ ਹੂਗੋ ਬੌਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ Thank you.